हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो सिविल का सपोर्ट। दोस्तों, जितने भी इंजीनियर रहते हैं वो हमें यही सलाह देते हैं कि हमें 1, 1.5, 3 का माल चलाना चाहिए। अब अगर 1, 1.5 और 3 का माल, 1.5 तगारी रेती, 3 तगारी गिट्टी और 1 तगारी सीमेंट, अब अगर इसको हम देखें तो ये 4 1 का माल हो सकता है। अब आप कह सकते हो या 4.5 का माल कह सकते हो, या फिर उसमें सीमेंट अगर जोड़ो तो 5 का भी कह सकते हो। बट इस तरह का माल अगर आप चलाते हो तो ये प्रॉपर बन ही नहीं पाएगा। जितने भी अभी ये आप गिट्टी माल या कंक्रीट माल बनाना चाहोगे, इसमें करते क्या है, जितने भी मिस्त्री कारीगर या ठेकेदार जो भी रहते हैं, ये इसमें मतलब कि 1, 1.5, 3 का चलाने के बजाय ये चलाते हैं दोस्तों, 2 तगारी रेत लेंगे और 3 तगारी गिट्टी लेंगे। मतलब कि आपको इसमें रेत की मात्रा हल्की कम रहेगी, बट इसमें 1.5, 3 का नहीं रहेगा, मतलब 1, 1.5, 3 का नहीं रहेगा। ये अगर इस तरह का माल इन्होंने बनाया तो ये बन ही नहीं पाएगा। या तो इसमें सीमेंट की मात्रा और बढ़ानी पड़ेगी, या फिर थोड़ी रेत की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये वाइब्रेटर से ही भले ही इसको आप फिनिश दे सकते हो, बट यूँ अगर आप लकड़ी डंडे किसी से इसको ठांसोगे तो ये गंजा निकलेगा। आप कॉलम भर लो या बीम भर लो, इस तरह का माल मतलब बन ही नहीं पाएगा। जितने भी हमारे इंजीनियर साहब हैं वो कह देते हैं, प्रैक्टिकली किसी ने करके नहीं बताया कि जो आप 1, 1.5 और 3 का माल बनाते हो, ये प्रैक्टिकल करके बताओ कि इसमें कितना रेशियो बनेगा। फिर क्या इसमें फिर वाइब्रेटर चलाने से रेशियो बनेगा, या फिर आप बांस या डंडा किसी चीज़ से चलाने से रेशियो बनेगा दोस्तों? इसलिए आप हमारे जितने भी मिस्त्री एंड कारीगर है वो सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं गिट्टी माल, कॉन्क्रीट।